इधर से मार इन लोग का। वही चीज बोल रहा था मैं। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी बने मस्त होंगे एंड आप सभी का फिर से वेलकम है टेक्नो बंदा के एक न्यू वीडियो पे। सो गाइस फाइनली आज के वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मस्त होने वाला है जो लोग मेरे को कमेंट पे रोज पूछते थे भाई आप वन टैप हेडशॉट कैसे मारते हो, जरा हमको टिप्स दे सकते हो क्या। सो उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है, तो प्लीज वीडियो में पूरा एंड तक के बने रहना बिकॉज आज के वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ टॉप 3 ऐसे टिप्स जिनका यूज करके आप बहुत ही भयानक तरीके से वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। सो वीडियो में पूरा एंड तक के बने रहना एंड साथ ही साथ गाइस आप लोगों की एक और चीज बता दूं, आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा लेक्चरर वाला नहीं होने वाला है, आप लोगों को मैं छोटे छोटे टॉपिक्स बताऊंगा, छोटे छोटे जो टिप्स हैं उनको दूंगा जिनसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से हेडशॉट मार सकते हो। और साथ ही साथ गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आज के गिव अवे के बारे में। आज के गिव अवे में है रोनाल्डो या फिर डिजोलो या फिर रेड पास, आप तीनों में से किसी एक चीज को ले सकते हो। इसके लिए बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, लाइक करना है इस वीडियो को एंड साथ ही साथ चैनल पे न्यू हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना, कमेंट में अपना यूजर आईडी दे देना इस वीडियो में कौन सी चीज आपको पसंद आई उसको लिख के। सो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलो गाइस बात करते हैं हम अपने टिप्स के बारे में। तो यहाँ पास जो हमारा सबसे पहला टिप्स निकल के आ रहा है वो है पोजीशन। जी हाँ गाइस, अब पोजीशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है एनिमी का। यहाँ पास अगर आप वन टैप हेडशॉट मारने चाहते हो सो यहाँ पास सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि बंदा खर क्या रहा है, आखिर उछल रहा है, बैठ रहा है कि मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पास अगर आपका बंदा मूवमेंट कर रहा है और आप उसको वन टैप हेडशॉट देने की अगर कोशिश करते हो तो यहाँ पास आपका 40% चांस रहता है वन टैप हेडशॉट कनेक्ट होने का। सो अगर बंदा स्ट्रेट खड़ा है या बैठा है अगर आप उसको वन टैप हेडशॉट मारोगे तो 80% तक चांस होता है वन टैप लगने का। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको उस बंदे का तब तक वेट करना है जब तक वो बंदा स्ट्रेट खड़ा ना हो जाए अपने पोजीशन पे। अभी बंदा मूवमेंट कर रहा है, कुछ टाइम ऐसा आएगा जब वो बंदा अपने जगह पे स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा। सो बस उसी टाइम आपको वन टैप हेडशॉट उसको मार देना है एंड गाइस 100% बता रहा हूं परफेक्टली वन टैप उसको लगेगा। सो इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स खेलने जरूरी है। यहाँ बस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इस पे फोकस करना पड़ेगा, टाइमिंग सबसे ज्यादा मैटर करता है इस चीज के लिए। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। बहुत सारे बंदे जो है ट्रेनिंग मोड्स खेलते हैं तो आपको ट्रेनिंग मोड्स नहीं खेलना है। यहाँ पास आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कस्टम्स पे गाइस। अगर आप कस्टम ज्यादा से ज्यादा खेलोगे तो बता रहा जितने दिन में आप ट्रेनिंग खेल के वन टैप मारना सीखोगे उससे बहुत ही कम, उससे आधा दिनों में आप वन टैप हेडशॉट सीख जाओगे ओनली कस्टम्स खेल के। सो कस्टम्स ज्यादा से ज्यादा खेलना अगर आपको वन टैप हेडशॉट सीखना है। सो कस्टम खेलोगे तो जल्दी सीखोगे। सो चलिए गाइस बात करते हैं हम अपने थर्ड नंबर के टिप्स के बारे में। जो हमारा थर्ड नंबर का टिप्स होने वाला है वो है एमिंग के बारे में। अब यहाँ पास काफी सारे बंदे ये तो सीख गए होंगे कि कितने में हेडशॉट मारते हैं, वन टैप मारते हैं सॉरी, और कितने पोजीशन पे मारते हैं, बंदा खड़ा रहता है तब मारता है, और टाइमिंग भी उन लोग सीख गए होंगे। अब बात करते हैं हम कई बंदों का क्या होता है कि वो जब हेडशॉट मारता है, हेडशॉट मारने की प्रैक्टिस करता है या फिर हेडशॉट मारने की कोशिश करता है तो उनका वन टैप नहीं लगता है, उनका जो एम है वो चेस्ट पे लॉक हो जाता है, सिर तक नहीं बढ़ पाता, सिर पे जा ही नहीं पाता उनका एम, मतलब अटक जाता है चेस ही पे, अटक जाता है और उधरी बॉडी शॉट लग जाती है। सो इसका सॉल्यूशन एक ही बताऊंगा मैं, अगर 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 आपका ये प्रॉब्लम होता है तो आप सिंपल ये ट्रिक ट्राई करना। अगर आपका बंदा खड़ा है कहीं पास, स्ट्रेट खड़ा है, जो भी कर रहा है, आप करो क्या, उस बंदे के पैर के नीचे एम लो, ठीक है, वाइट एम होना चाहिए, रेड एम नहीं होना चाहिए, रेड एम नहीं करना है, बंदे को टच नहीं करना चाहिए आपका एम, बंदे के पैर के नीचे होना चाहिए एम जो है आपका, ठीक है, और उस एम को आपको ड्रैग करना है, ठीक है। अब पोजीशन आपको बताया मैं, मतलब आपका रेंज बताया कि किस रेंज पे है बंदा, अगर लॉन्ग रेंज पे तो हल्का ड्रैग करना है, शॉर्ट रेंज पे है तो फुल ड्रैग करना है। अगर आपका बंदा शॉर्ट रेंज पे खड़ा है और आपको हेडशॉट मारना है तो आप क्या करना, आपको सिंपली एम को जो है एनिमी के पैरों पे लेना है, एनिमी के पैरों पे लेके आपको ड्रैग कर रहा है अपने रेंज हिसाब से, और जैसे ही आप ड्रैग करोगे यहाँ पास आपका वन टैप हेडशॉट बहुत ही इजी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और आप एक वन टैप प्लेयर बन जाओगे। सो आज के ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को कैसे लगा मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ होगा तो डू लाइक गाइस, लाइक बहुत ही जरूरी है, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे सेट कर देना, कमेंट पे अपने यूजर आईडी दे देना अगर गिव अवे विन करना है।
सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। एंड हाँ, एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को, अगर अभी तक इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ से जाके शेयर कर दो। सो बाय बाय गाइस, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।